फ्रेंड्स, आज मैं सूरन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसे याम भी कहते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो याम और इसे छोटे छोटे क्यूब्स के आकार में कट कर लिया है। ये शेप्स आप अपने चॉइस के अनुसार काट सकते हैं। तेल रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, 20 कलियां लहसुन के, 1 इंच अदरक, 4 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, लाल मिर्चा 1 टेबलस्पून, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 कश्मीरी मिर्च लिया है मैंने, ये कलर अच्छा आता है ये डालने से, और कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने धनिया और जीरे का एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है और अदरक लहसुन कश्मीरी लाल मिर्च और गोटा गरम मसाला का मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। मैंने तेल को हीट कर लिया है, अपने कटे हुए सूरन को अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे हल्का गोल्डन फ्राई करना है। बहुत सारे सूरन गले में काटते भी हैं, तो आप उसमें बनाते वक्त थोड़ा नींबू या इमली डाल सकते हैं। हमारा सूरन गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें मसाला डाल के इसे कुक करेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम रख दिया है, मैंने सारा मसाला डाल दिया है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छी तरह भून जाए। हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, ये तेल छोड़ चुका है आप देख सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चा पाउडर डाल के कुक करेंगे। मसाला को हमें बस 10 सेकंड तक ही भूनना है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून नींबू डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए। आप इसमें अमचूर या टमाटर भी डाल सकते हैं या इमली भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपने भुने हुए सूरन डाल देंगे। इसकी ग्रेवी थिक या थिन आप अपने चॉइस के अनुसार बना सकते हैं, ये मैं थिक ग्रेवी में ही रखूंगी। हमारा याम मसाला में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब ये रेडी है सर्व होने के लिए। अब हम इसे डिश आउट करें। आप देख सकते हैं इसकी कलर, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। आप अगर इसे थिन करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। आप इसे स्टीम राइस, रोटी या पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे अब थोड़ा हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे।